नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल धमाल के डे 19 के इंडिया के कलेक्शन के बारे में, बदला फिल्म के डे 5 के कलेक्शन के बारे में एवं लुका छुपी फिल्म के डे 12 के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लुका छुपी के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में कार्तिक आर्यन और प्रीति सनन देखने को मिली है और इस फिल्म का जो बजट है वो 40 करोड़ है। तो इस फिल्म ने अपने डे 12 में 2 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 71 करोड़ 50 लाख। अब हम बात करते हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के डे 19 के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और अनिल कपूर जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो बजट है वो 100 करोड़ है। तो इस फिल्म ने डे 19 में इंडिया में 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 144 करोड़। दोस्तों अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन एंड तापसी पन्नू की फिल्म बदला के डे 5 के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो 30 करोड़ है और ये फिल्म दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसके डे 5 के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डे 5 में बदला फिल्म ने 3 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ बदला फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 31 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल धमाल एंड लुका छुपी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई है और बदला फिल्म भी 2-3 दिन में सुपर हिट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।